हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और आपका जेई मेंस भी अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे IIIT मणिपुर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं यार, ये टॉप कॉलेज नहीं है। वैसे आपको पता ही होगा, इसमें अगर आपका जेई मेंस में कम रैंक आया है, ऑलमोस्ट 80,000 70,000 के आसपास, तो और आपको IIIT जानी है, लाइक आप नेशनल लेवल का कॉलेज जानी है, तो आप IIIT मणिपुर चूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको लोकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो मैं वीडियो में आगे बात करूंगा, प्लेसमेंट भी मैं बताऊंगा, सब चीज़ एक एक करके मैं बताऊंगा। बस आपको लास्ट तक देखते रहो और मैं कुछ अपना ओपिनियन भी दूंगा इसके बारे में कि प्राइवेट कॉलेज के तुलना में ये कितना अच्छा है, कौन से प्राइवेट कॉलेज मिल रहे हैं तो मैं देना चाहिए और कौन से नहीं मिल रहे हैं तो मैं नहीं देनी चाहिए। चलो यार, सबसे पहले ओवरव्यू की बात करते हैं। तो IIIT मणिपुर PPP मॉडल पे 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी और इम्फाल मणिपुर में अभी ये है, और रैंकिंग तो अभी इसका कोई मिला नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसका, लाइक ये सिर्फ एयरपोर्ट से IIIT मणिपुर 12 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन से 200 किलोमीटर, तो ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। बाकी आपको कैंपस फैसिलिटी की बात करें तो आपको बेसिक सभी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे बैंक के सुविधा, लोन की सुविधा, लाइब्रेरी मिल जाएंगे, कैंटीन मिल जाएंगे, बॉयज हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल तो होंगे ही, रिसोर्ट्स हैं और मेडिकल फैसिलिटी, तो बेसिक सभी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे एडमिशन की बात करें तो आपको जेई मेन्स से एडमिशन होता है, आपका 75% मार्क्स रहना चाहिए या फिर टॉप 20% में आपको बोर्ड में रहना चाहिए, जो कि जोसा काउंसिलिंग के थ्रू होता है। तो आपको पता होगा कि जोसा का प्रोसीजर कैसे होता है, और नहीं पता है तो मेरे और भी वीडियो को रेफर कर सकते हो। अभी यहाँ पे अब हम बात करेंगे यार फी की। तो IIIT मणिपुर का फी भी अपने आप में यार बहुत ज़्यादा है, लाइक सिर्फ 1,32,000 तो आपके ट्यूशन फी लगेंगे, लाइक हॉस्टल इंस्टीट्यूट फी लगेंगे वन टाइम फर्स्ट टाइम, और टोटल 45,000 आपके हॉस्टल फी लगेंगे, तो ऑलमोस्ट हो गया 75,000 के आसपास, 75,000। और फिर इसके बाद आप वहाँ रहेंगे तो वो भी खर्चे आएंगे, तो टोटल 2 लाख आपके पर सेम कम से कम आएंगे अगर आप मिनिमम खर्च करोगे तब। अब कुछ बात कर लेते हैं यार प्लेसमेंट की। तो अब ये सब तो हो गया कि भैया यार इतना ज़्यादा फी लग रहा है, 16 लाख यहाँ पे फी लग रहा है, लेकिन फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा IIIT मणिपुर जाने का एक फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे ये 2015 में स्टार्ट हुई थी, इसके अभी 2-3 बैच ही पास हुआ है और प्लेसमेंट 100% है, लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चे प्लेस हो गए हैं, और इसके एवरेज पैकेज भी 10 लाख थे पिछले ईयर, इस बार और बढ़ेंगे ही, लेकिन 2023 का डेटा भी आया नहीं यार तो हम बता नहीं सकते। इसमें प्लेसमेंट मीडियम पैकेज भी इसका अच्छी है, 8 लाख के आसपास, और हाईएस्ट पैकेज 45.64 LPA है, जो कि अमेजन के द्वारा दी गई थी। टॉप रिक्रूटर में इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, डिटॉली, अमेजन, TCS, IBM, यही सब कंपनी आती है, तो लगभग अभी कंपनी आती है। वैसे स्टूडेंट इंटेक बहुत कम होता है तो फिर आप कितना मान सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की ओर बढ़ेंगे कि यार भैया ये कॉलेज हमें लेनी चाहिए तो कब तक लेनी चाहिए, लाइक अगर हमें प्राइवेट कॉलेज मिल रही है तो, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है सही लोकेशन पे और उसका पैकेज अच्छा है, जैसे कि 8 लाख 10 लाख का पैकेज है तो वहाँ पे 20 लाख तक भी लग रहा है ना, और आपके लोकेशन में है, प्रीफर्ड लोकेशन में, तो आप उस कॉलेज को चूज कर सकते हो, मणिपुर को स्किप कर सकते हो। और बाकी मणिपुर का फायदा ये है कि यहाँ पे ये IIIT है तो 4 साल बाद 20 लाख तो एवरेज पैकेज रहेंगे ही, तो ये IIIT मणिपुर के फायदे हैं। और जो PPP मॉडल पे जितनी भी IIIT बनी है उनका ग्रोथ तो हम जानते ही हैं, IIIT हैदराबाद, IIIT बेंगलोर। चलो अब ये सब तो बहुत हो गया, अब इसके बाद हम कट ऑफ पे बात करते हैं। तो हम कट ऑफ सबसे पहले ओपन कैटेगरी का देखेंगे, फिर इसके बाद EWS, उसके बाद OBC और उसके बाद फिर SC ST। तो आप बने रहो, मैं राउंड सिक्स, सबसे पहले मैं राउंड सिक्स का डेटा बताऊंगा आपको, और उसके बाद CSEP 1 और CSEP 2। तो जनरल न्यूट्रल के लिए पिछले ईयर 34,000 ओपनिंग रैंक थी और 43,500 क्लोजिंग रैंक, ये जोसा राउंड सिक्स के कट ऑफ है। और वही हम बात फीमेल के लिए करें तो फीमेल में आपको 46,000 तक मिल रहे थे ये कॉलेज राउंड सिक्स तक, और इसी की बात करें तो आपको 52,000 तक ये कॉलेज मिल रहे थे, और फीमेल में बात करें इसी की तो 55,000 तक आपको ये कॉलेज मिल रहे थे इसी ब्रांच। अब हम इसके बाद बात करेंगे, राउंड सिक्स हो गया स्पेशल राउंड वन की। तो स्पेशल राउंड वन में आपके 57,000 तक ये कॉलेज मिल रहे थे CSE के लिए, और गर्ल्स हैं तो 69,000 तक आपको ये कॉलेज मिल रहा था, और आपको एट द अंतिम 75,000 तक ये कॉलेज मिल रहे थे बॉयज़ के लिए इसी में, और 96,000 कर सकते हो गर्ल्स के लिए।
तो कॉलेज तो मिल जाएंगे, अगर आपके पीछे रैंक है तो उतना घबराने की जरूरत है नहीं, और ट्रिपल आईआईटी है तो प्लेसमेंट तो अच्छा होगा। और राउंड टू की बात करें तो ये कॉलेज 65,000 तक सीएससी मिल रहा था बॉयज़ के लिए, और 88,000 तक गर्ल्स के लिए सीएससी, एंड 1,12,000 तक गर्ल्स के लिए कॉलेज में सीएससी मिल रहा था, और 87,246 क्लोजिंग रैंक था बॉयज़ के लिए। अब हम इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, तो ईडब्ल्यूएस में हम चलो स्पेशल राउंड पे चलते हैं, क्योंकि आप कैटेगरी रैंक में आप पता कर नहीं सकते कि एग्जैक्ट रैंक आपका कितना है। तो ईडब्ल्यूएस में 62,000 तक ये राउंड वन में क्लोज हुई थी, सीएससी गर्ल्स के लिए 85,000, 79,000 फॉर बॉयज ईसी, एंड 1,08,000 फॉर गर्ल्स ईसी, एंड 70,644 फॉर बॉयज सीएससी, एंड 94,000 फॉर गर्ल्स सीएससी, एंड 1,38,000 तक ये इसी यहाँ पे मिल रहा था गर्ल्स के लिए, और 97,788 लाइक 1,00,000 तक आपको इसी यहाँ पे मिल रहे थे। तो पीछे रैंक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये कॉलेज तो मिल ही जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी। ओबीसी में 68,000 राउंड वन में सीएससी मिल रहा था बॉयज़ के लिए, 93,000 गर्ल्स के लिए, और 1,07,000 गर्ल्स के लिए क्लोजिंग रैंक, और इसी 82,712 फॉर बॉयज। 74,000 तक आपको सीएससी मिलेंगे ये कॉलेज में पिछले साल के अनुसार, और 1,02,000 अगर आपके 1,03,000 रैंक है तो सीएससी आपको मिल जाएंगे गर्ल्स वाला कॉलेज, और वही 1,47,000 मतलब 1,50,000 तक आपको ये कॉलेज मिल रहा है गर्ल्स के लिए, और 1,02,000 बॉयज के लिए। 1,00,000 तो एससी कैटेगरी में आपको 1,62,000 ओपनिंग रैंक थी, 1,74,000 तक आपको सीएससी मिला था राउंड वन में, और 1,00,000 वाह यार मतलब 1,72,000 मतलब इसमें ओबीसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ है यहाँ पे, 1,72,000 गर्ल्स के लिए और 1,74,000 बॉयज़ के लिए, मतलब गर्ल्स यहाँ पे बीट करती बॉयज़ को। और इसी की बात करें तो 1,90,000 बॉयज़ के लिए और 1,97,000 गर्ल्स के लिए। अगर आपके 2,00,000 तक रैंक है तो आपको यहाँ पे फीमेल कोटा मिल जाएगा कॉलेज। 2,10,000 तक आपका रैंक है तो राउंड टू तक आपको ट्रिपल आई टी मणिपुर मिलने के चांसेस हैं, और 2,50,000 तक भी रैंक है तो आप मान सकते हो कि गर्ल्स हो तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में आपको ये कॉलेज राउंड वन में 2,71,000 लाइक 2,72,000 तक ये कॉलेज आपको सी एस सी यहाँ पे मिल जाएंगे, और 3,14,000 तक गर्ल्स के लिए। वैसे ही 3,28,000 तक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इसी अगर आप फीमेल हो तो, और 3,06,000 तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसी अगर आप बॉयज हो तो। और राउंड टू की बात करें तो 3,00,000 तक आप बॉयज हो तो आपको ये कॉलेज मिल सकते हो, गर्ल्स हो तो आपके बल्ले बल्ले हैं, 4,00,000 तक ये कॉलेज की क्लोजिंग रैंक गई है। मतलब यार बस मजे करो तुम तो, यार कॉलेज बुरा नहीं है, ठीक है। लोकेशन वाइज अगर यही कॉलेज थोड़े से सही लोकेशन में होते, एयरपोर्ट यानी कि कनेक्टिविटी इसका सही होता तो कॉलेज की प्लेसमेंट काफ़ी, कॉलेज के सेटअप काफ़ी कम रहते, लेकिन कॉलेज थोड़ा सा वो आउटर में हो जाता है, इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप दूर रहना चाहते हो, आप ये समझ सकते हो कि नहीं मैं फैमिली से दूर आराम से रह सकता हूँ, उतना कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अगर यहाँ से नियर बाई कॉलेज में भी हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, दूर तो है ही, तब तो आपको ये कॉलेज लेनी चाहिए। और बाकी आप दो लड़के हो जो बचपन से मम्मी पापा के साथ रहे हो, दूर नहीं रह सकते, तो आपको ये कॉलेज नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात रही यार प्राइवेट कॉलेज के कंपेरिजन इसे करें तो देखो कॉलेज ट्रिपल पी मॉडल पे है, तो यहाँ पे आपको बहुत जल्द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा, जैसा कि हर एक ट्रिपल आईटी में देखने को मिल रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज की तुलना में तो ये अच्छा है ही। और बाकी आपको बीआईटी ये सब मिल रहा है तब तो आपको वही चूज करना चाहिए, ये कॉलेज नहीं चूज करनी चाहिए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए इंड तक। और